जैसी नगर के वार्ड क्रमांक 18 के निवासियों ने जनपद पंचायत पहुंचकर सड़क और पानी की समस्याओं को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतना पाटिल को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में आए पुरुषों और महिलाओं का कहना है कि हमारे वार्ड के वंदना भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर पंचायत द्वारा सड़क नहीं बनाई गई है, जिससे बारिश के समय रास्ते में काफी कीचड़ और दलदल हो जाता है, जिससे निकलने में काफी परेशानी जाती है। रोड के लाना है, क्या समस्या है? बहुत परेशानी है, कीचड़ में गिर गिर जा रहा है, पानी बहुत बरस रहा है तो एक हमारा चला ही नहीं पा रहा है, बच्चे लोग भी गिर रहा है, हम लोग पानी भरने के लिए जाते हैं तो गिर जाते हैं। शिकायत की है दो तीन बार नपती भी हो गई रोड की, पर कोई सुनाई नहीं है। तो आज आपने सीओ मैडम को ज्ञापन दिया, उनने क्या आश्वासन दिया? ऐसी बोल रहे हैं कि हो सकता है आप देख लेंगे, नहीं आओ हो पैसा तो आ जाएगा। वार्ड वासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए हम लोगों ने कई बार पंचायत सरपंच और सचिव से शिकायत की है, लेकिन पंचायत द्वारा सड़क नहीं बनवाई गई। खचना इतनी मची है कीचड़ कि आदमी गिर गिर पड़ रहे हैं, पन्हारी गिर जाए खेत में फूट जाते, उनकी हाथ गोए में लग जाते, अब उनको सेके के वहाँ कौन कौन काम करे, सरपंच के ना गए, सरपंच को सुनाई, सरपंच ने कोई सुनाबुनी नहीं करी, उनको सचिव साहब को सुनाई, उनने कोई सुना नहीं करी, अकेले नप गाओ दो तीन बेर वो कह देते हाओ अब हो जाए, आज दिन तक नहीं हो रहा, हमारा मौका तहतीकात देखो जाए देखो, पानी को है तो ये कुगा है, दो महीना चला थे, दो महीना के बाद में ना हम आगे कुआ फरा थे, बाकी हमारे वहाँ पानी का इतना परेशान। मैं वंदनवन के पास में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ है और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, कुआ है तो कुछ दिन जाता है, फिर गर्मी में फिर वही समस्या रहती है, और अभी चल के देखो तो वहाँ पैदल भी नहीं चल पा रहा, एक एक सिंगल आदमी भी नहीं चल पा रहा है वहाँ पे, और मैं हर बार आश्वासन देते थे नप जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा, आप स्वयं देख कर वहाँ पर चलकर देखें कितना समस्या आ रही, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा इसी वार्ड में बने वंदना भवन हॉस्टल के वार्डन करण कोरी का कहना है कि हमारे हॉस्टल में लगभग 150 लड़के लड़कियां रहते हैं, रोजाना इसी दलदल भरे रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं, और कई बार बच्चे रास्ते में फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। देखिए, मैं वंदना भवन में 25 साल से वार्डन हूं, और मैं 25 साल से यह देख रहा हूं कि मेरे वंदना भवन हॉस्टल में करीब 150 लड़का लड़कियां पढ़ते हैं, उनको जाने में इतनी दिक्कत होती है कि कभी कभी कोई कोई बच्चियां या बच्चे गिर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा हॉस्टल चल रहा है, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत ही निम्न स्तर के बच्चे हैं, वे बच्चे पढ़ते हैं जिनके बाप हैं तो माँ नहीं है, माँ है तो बाप नहीं है, और उनके लिए घर पे दो टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, यहाँ उनके लिए शरण दी जाती है, उनके लिए कोचिंग दी जाती है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इतना हो जाए कि जो वंदना भवन हॉस्टल के पास में जो इतनी कीचड़ है, उस कीचड़ को मिटाया जाए, यहाँ कंक्रीट रोड बनाया जाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूल तक पहुँचे, जाते समय कई बच्चे तो गिर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो हमारी बस यही कहना है कि यहाँ पे कम से कम रास्ता तो सुधार दी जाए। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतना पाटिल का कहना है कि इस सड़क को लेकर मैंने पंचायत सचिव से बात की है, यह सड़क पहले DPR में नहीं थी, लेकिन अब DPR में जुड़वा दी गई है, जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके संबंध में मेरी इस पंचायत सचिव से बात हुई है, उनका कहना है कि पहले सड़क DPR में नहीं थी, पर अभी उसको DPR में जुड़वा दिया है, और फिलहाल पंचायत के खाते में उतनी राशि अवेलेबल नहीं, तो देखते हैं शासन से रिमांड करेंगे या फिर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, उसमें गिट्टी वगैरह कुछ डाल सकते हैं क्योंकि मुरम वगैरह की परमिशन। जैसी नगर से ब्रजेंद्र रैकवार, सागर TV न्यूज़।